अंबिकापुर शहर में कुछ वक्त पहले बारिश न होने के कारण शहरवासी पानी की कमी से परेशान थे, लेकिन अगस्त महीने में शुरू हुए लगातार चार दिन में झमाझम बारिश होने से शहर के नालियों एवं सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है। नाली जाम होने के कारण नाली की पानी सड़कों तक आ जा रही है। आवागमन कर रहे आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या शहर के किसी विशेष हिस्से में नहीं बल्कि कई सड़कों कई वार्डों का है। नालियों की साफ सफाई न होने के कारण उसमें कचरा फंस जाने से बारिश का पानी नाली के अंदर तक नहीं जा पा रहा है। यह शहर की विडंबना ही है कि गांधी चौक, अंबेडकर चौक, पीजी कॉलेज, रिंग रोड का भी बुरा हाल है। जब ये सड़कें ही दुरुस्त नहीं है तो फिर बाकी सड़कों के हाल बेहाल रहे भी तो क्या किया जा सकता है। आज हम नगर निगम कार्यालय में आए हुए थे और हम आयुक्त महोदय से मुलाकात कर उन्हें अवगत कराए हैं कि अंबिकापुर की जो नालियां हैं, आज देखने को यह मिल रहा है कि नालियों का साफ सफाई ना होने के कारण नालियों में बहुत ज्यादा कचरा भर चुका है, जिसके कारण रोडों में पानी आने लगा है। ना ही नालियों का नियमित रूप से साफ सफाई किया जाता है, ना ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। तो इसी संबंध में हमने उन्हें अवगत कराया है और मांग किया है कि नियमित रूप से हफ्तों एक हफ्ते के अंतराल में नालियों का साफ सफाई किया जाए और ब्लीचिंग पाउडरों का छिड़काव कराया जाए, जिससे कि जो बीमारियां फैलने का डर बना रहता है वो सब बीमारियां ना फैलें। यहां तक कि कई स्थानों पर नाली के ऊपर ढक्कन भी नहीं लगे हुए हैं और जहां ढक्कन लगे हैं वह अभी टूट चुके हैं, जिससे कि वहां आसपास के इलाके के लोग को अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। शहरवासियों की परेशानी को देखते हुए आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने नेतृत्व में संघ द्वारा नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंप कर नालियों की साफ सफाई करवाने एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने, साथ ही उन पर ढक्कन लगवाने की मांग की गई। इस पर आयुक्त द्वारा आश्वासन देते हुए त्वरित कार्यवाही करने की बात कही गई। अभी कुछ छात्रों और एक संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर बताया गया कि जो अपना पीजी कॉलेज ग्राउंड है NSP, वहाँ पे अत्यधिक बारिश होने से जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है, जिससे आवागमन थोड़ा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा कुछ नालों में जो पहले से मिट्टी जमी है उनके कारण जो नाली से पानी बाहर निकलती है उसके बारे में, अन्य वार्डों में जो कठिनाई हो रही है उसके बारे में ज्ञापन दिया गया। उन्होंने इसके ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव के बारे में बताया कि पहले शायद ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता था, जो शायद अभी नहीं हो पा रहा है, तो इसके संबंध में भी उन्होंने ये बताया है।